हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हर साल की तरह इस बार भी 14 अगस्त को उन्नाव देशभक्ति के नारों से सराबोर हो गया। उन्नाव में अखंड भारत के संकल्प के साथ 14 अगस्त को विशाल और भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का आयोजन समाज सेवी और बीजेपी नेता विमल द्विवेदी ने किया। यात्रा का शुभारंभ वीर नारियों और आर्मी के अधिकारियों द्वारा जनपद के शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर भारत माता की आरती कर किया गया। यात्रा के दौरान सदर विधायक पंकज गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार भी यात्रा में शामिल हुए। 151 मीटर विशाल तिरंगा जब उन्नाव के रामलीला मैदान से निकलना शुरू हुआ तो हर कोई इस तिरंगे को छूने के लिए ललायत दिखा। देशभक्ति की गीतों के शब्द सभी के अंदर देशभक्ति का जोश भर रहे थे। यात्रा में 151 मीटर का तिरंगा तो मुख्य आकर्षण था ही, इसके साथ ही महापुरुषों और शहीदों के संदेश देते हुए चित्र की झांकियां देखकर हर कोई गदगद था। इस दौरान एनसीसी कैडेट और स्काउट के बच्चों की कदमदाल लोगों में जोश भर रहा था। वहीं आर्मी बैंड की धुन लोगों को थकने पर मजबूर कर दे रहा था। नर सेवा नारायण सेवा समिति उन्नाव के आग्रह पर शहर के नामचीन स्कूल के बच्चे भी इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर शामिल हुए। भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा की अपील की थी, जिसे पूरा करने के लिए संगठन के पदाधिकारी लगभग एक महीने से महाजनसंपर्क अभियान चला रहे थे और इसी अभियान का नतीजा है कि आज इस यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा। कई वर्षों से नर सेवा नारायण सेवा द्वारा 14 अगस्त को जो अखंड भारत संकल्प के साथ जो है 14 से 21 अखंड भारत संकल्प सप्ताह मनाते हैं, इसके प्रथम दिवस 14 अगस्त को हम लोग 151 मीटर तिरंगे के साथ भव्य झांकियां हैं, जिसमें कि राष्ट्र को समर्पित झांकियां हैं, पर्यावरण को संरक्षित झांकियां हैं व अन्य आर्मी बैंड के साथ लगभग 2500 से अधिक एनसीसी कैडेट हैं और लगभग 15 से 20 हजार आम जनमानस तिरंगे के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हुआ है। मैं आप सबके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं और ये जो ऐतिहासिक कहते हैं अगर प्रदेश की सबसे बड़ी अगर यात्रा देखी जाए तो ये नरसेवा नारायण सेवा ज़्यादा उन्नाव में निकाली जाती है। माननीय मोदी जी द्वारा भी आह्वान किया गया है कि हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 चलाया जाए। इसको लेकर भी लगभग संस्था के पदाधिकारियों ने लगभग एक माह पूर्व से ही लगातार इस अभियान से जुड़कर लगभग 10 हजार राष्ट्रीय ध्वजों का वितरण करने के उपरांत आज ये 14 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मैं पुनः उन्नाव जनपदवासियों सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले सभी राष्ट्रभक्तों को हृदय गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। यात्रा में वीर नारियों को विंटेज कार में बिठाकर यात्रा की अगुवाई करना प्रमुख आकर्षण रहा। यात्रा समापन पर पूर्व सैनिकों, स्कूल की झांकियां, एनसीसी कैडेट्स वीर नारियों को प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें पटेल पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच सम्मानित किया गया। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, जूनी यूपी।